हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ से लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड्स। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स जो पोस्ट निकला हुआ है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल करेंगे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, मैं सब कुछ डिटेल यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों, 270 पोस्ट है यहाँ पे, आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 9 नवंबर 2018 से जो कि इसका ऑफिशियली जो अप्लाई लिंक है वो एक्टिवेट हो गया है, और लास्ट डेट है यहाँ पे 30 नवंबर 2018, और लास्ट पेमेंट भी इसका है 30 नवंबर 2018 में। तो दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट जो होगा यहाँ पे इन इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 में, द ऑनलाइन टेस्ट कुड बी कंडक्ट ऑन ए वीकली और वीकेंड। आरबीआई रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द नंबर ऑफ डेज एंड डेट्स ऑफ द टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बोल देता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड्स के जो पोस्ट निकला हुआ है, यहाँ पे आपको एप्लीकेंट्स आर एलिजिबल इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बता देता हूँ कि वैकेंसी का कितना है। तो दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी जो है 270 यहाँ पे वैकेंसी है। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आप लोग बता देता हूँ कि और क्या क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि है, आपको 20 30 ईयर्स तक आप जो कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते। एज लिमिट के बात करें तो यहाँ पे 30 ईयर्स जो SC ST के लिए, और 28 ईयर्स फॉर द OBC और जनरल OBC कैंडिडेट के लिए, और 25 ईयर्स तक आपको जनरल कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके उसके बाद जो है कास्ट क्राइटेरिया, यहाँ पे कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन एज SC ST OBC शैल हैव प्रोड्यूस्ड अ सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब परफॉर्म ओनली। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट देखना होगा, उसके बाद आपका जो कि आपको मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपको ये जॉब मिलेगा। तो दोस्तों, अभी आप बात आप लोगों को बताएंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 10th या मैट्रिकुलेशन जो कि आपको पास होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं इसका इस जॉब के लिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे ओनली एक सर्विस मैन विथ प्रॉपर मिलिट्री बैकग्राउंड आर एलिजिबल। द कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग आर्म्स एंड एम्यूनेशन इन द मिलिट्री। तो दोस्तों, इसके बाद है जॉब रिक्वायरमेंट जो कि यहाँ पे गार्डियन बैंक प्रॉपर्टी आर द वार्च वार ड्यूटीज राउंड इन द क्लॉक ऑपरेटिंग एक्सरे मशीन DFMD फॉर द चेकिंग बैगेज एट द एंट्रेंस एंड अदर अलाइड ड्यूटीज विद द मेनी अगेंस्ट बाय द बैंक। द सिक्योरिटी गार्ड्स विल हैव टू वर्क इन शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। द अबव लिस्ट इज ओनली इनएक्टिवेट नॉन एग्जॉस्टिव। द बैंक रिजर्वेशन ऑफ राइट टू द असाइन एनी अदर वर्क इनक्रेज रिक्रूटमेंट। तो स्कीम सिलेक्शन जो कि है यहाँ पे, आपको कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट ऑन देयर मार्क ऑनलाइन टेस्ट। तो दोस्तों, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू होगा, फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसके सिलेबस यहाँ पे आपको 100 मार्क्स के आपको जो कि एग्ज़ाम होगा, जो कि इसमें से टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो रहेगा 40 मार्क्स एंड जनरल इंग्लिश 30 मार्क्स और न्यूमेरिकल एलिबिलिटी जो रहेगा 30 मार्क्स। तो टोटल होता है 100 मार्क्स के एग्ज़ाम, और 80 मिनट आपको जो कि यहाँ पे 80 मिनट आपको जो आपका टाइम रहेगा। तो दोस्तों, ये था जो कि इसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका एप्लीकेशन जो कि ऑनलाइन मोड है, इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, ऑनलाइन के एप्लीकेशन लिंक आप लोग वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको और भी कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो अगर आप जब अप्लाई करेंगे तो क्या क्या आपको वहाँ पे लाएगा। तो दोस्तों, आपको जो जो डिटेल्स मैं बता देता हूँ, आप लोग वही रिक्वायरमेंट ले जाइए जब अप्लाई करेंगे ऑनलाइन में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस जो कि नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे
एप्लीकेशन फीस नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो कि मैट्रिकुलेशन आपका सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा, और अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन और उसके मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो भी है आपके पास वो आप दे सकते हैं। और ध्यान रहे लास्ट डेट जो है 13 नवंबर 2018, उसके पहले आपको ऑनलाइन में जाके अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यही था। अगर आप लोगों को पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।